गाइज, भगवान को नकारा नहीं जा सकता, वो प्रकृति के प्रत्येक कण कण में मौजूद है। गाइज, एक ऐसी घटना जिसमें ईश्वर के आगे इंग्लैंड की सरकार को झुकने के लिए मजबूर। गाइज, घटना कुछ इस प्रकार है कि 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड में जॉन ली नामक एक व्यक्ति को एक महिला के कत्ल में दोषी मानते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद वह व्यक्ति रोता चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है और उसने कोई अपराध नहीं किया, पर चूंकि उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे, फिर उसने कहा कि अगर मैं सच्चा हूँ तो ईश्वर मेरी मदद जरूर करेगा। 23 फरवरी 1885, यही वो दिन था जब उसे फांसी होने वाली थी। फांसी देने से पहले फांसी के फंदे और तख्त की मजबूती को अच्छे से परखा गया ताकि फांसी में किसी प्रकार की रुकावट न आए। अब जॉन ली को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने जॉन के चेहरे पर काले कपड़े से ढक दिया और गले में फांसी का फंदा डाल दिया। आदेश मिलते ही जल्लाद ने हैंडल को दबाया लेकिन तख्त नहीं खुला। बार बार हैंडल दबाया गया लेकिन तख्त नहीं खुला और फांसी एक दिन के लिए टाल दी गई। इसके बाद जांच शुरू हुई तथा आजमाइश के तौर पर उस व्यक्ति के समान वजनी पुतले को फांसी पर लटकाया गया। तख्त खुल गया। दूसरे दिन जॉन ली को फिर से फांसी के लिए लाया गया और फिर तख्त नहीं खुला। वह व्यक्ति खुशी से चिल्लाया और कहा कि ईश्वर आप सर्वत्र हैं। फांसी एक बार फिर टल गई। तीसरी बार फिर फांसी के तख्त पर लाया गया और जल्लाद ने लीवर दबाया लेकिन तख्त आज भी नहीं खुला। यह सब देखकर जल्लाद बहुत ही भावुक हो गया और हमेशा के लिए वहां से चला गया। मौजूद कर्मचारी भी हक्के बक्के रह गए। फांसी फिर से टल। गाइज, अब यह केस हाई अथॉरिटी के हाथों में आ गया था। हर चीज को गहराई से जांच पड़ताल की गई कि आखिर एक शख्स का 3-3 बार फांसी से बच निकलना कैसे मुमकिन है। इतिहास में ऐसी कभी पहले घटना नहीं हुई थी और मान लिया गया कि लाख अटक जाने से ऐसा होता रहा होगा। क्या जॉन ली को शूट किया जाना चाहिए? इस पहलू पर जज ने पूरी गंभीरता से विचार किया और माना कि जब जब जॉन को फांसी दी गई होगी तब तब वह हर पल के लिए मरा होगा। और जज ने भी यह माना कि कानून ने जॉन को फांसी पर चढ़ाकर एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार मारा है और कानून भी ईश्वर के आगे, और व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जॉन ली को लगाए गए उस फंदे को हमेशा के लिए उतार दिया गया और म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया। ब्रिटिश कानून असफल रहा क्योंकि उन्हें ईश्वर की ताकत और जॉन ली के बेकसूर होने का आभास हो चुका था। रिहा होने के बाद जॉन ली से अक्सर लोगों द्वारा सवाल पूछे जाने पर वह यही कहता था कि फांसी के वक्त वह अद्भुत दिव्य प्रकाश की अनुभूति करता था और ये प्रकाश काला कपड़ा हटने के बाद ही अदृश्य हो जाता था। जॉन ली के खिलाफ पुलिस को प्राप्त हुए सारे साक्ष्य झूठे निकले। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।